डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी स्पीकर के द्वारा कोई बात कही जाती है, उस बात को वैसी वैसी दोहरा देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि स्पीकर के द्वारा कोई बात कही गई है, उस बात को हम अपने लिए लाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करके कहते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर समझे हुए हमारे सामने आती है कि डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट के वाक्य में कैसे चेंज करें, ये समस्या छोटी सी है। ज्यादा जटिलता नहीं है, डायरेक्ट का वाक्य दे रखा है, उसकी कुछ कंडीशन होती है, उस वाक्य को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, और वो बेसिक नॉलेज है वो टेंस से संबंधित होना जरूरी है। हमने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और देखिए जो मैनुअल होती है, मैनुअल होती है वो पांच प्रकार की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई एन जी फॉर्म, एस या ई एस फॉर्म। मैं एक छोटा सा वर्ड लेता हूं, सब लेता हूं तो इसके कारोबार के लोग होती है, इसकी यह फॉर्म कुकिंग होता है और इसकी यह फॉर्म सुख होता है। ऐसे वर्ग थर्ड फॉर्म का मतलब होता है सेंटेंस, सेंटेंस वर्ग। सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टेंस में वर्ग, कितना ही याद रखना। हम लोग किसी प्रकार थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म या सब्जेक्ट फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऐसे ही हमारे टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उन हेल्पिंग वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी है वो तो हेल्पिंग वर्ब से है क्योंकि पास्ट फॉर्म होती है। जिस बच्चे को टेंस के हेल्पिंग वर्ब की पास्ट फॉर्म का ज्ञान है या ध्यान है वो बच्चा आसानी से डायरेक्ट के वाक्य को डायरेक्ट नहीं कर सकता, कहीं कोई जटिलता नहीं होती। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से अध्ययन तक जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो टेंस से संबंधित हैं, हम उन पर अध्ययन करने को तैयार हैं। जैसे एक डायरेक्ट का वाक्य मान लो, डायरेक्ट के वाक्य में सजेंट सिंपल की कंडीशन लगा रही है, सजेंट सिंपल की कंडीशन लगा रही है, तो इस कंडीशन को हम इनडायरेक्ट पर चेंज करते हैं। तो यह परिवर्तन होता है, प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और
इस सिंबल में दो और डैश साइन होता है, इसके साथ अगर की प्लस टू बनती है। मान लो कि किसी एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लाइन वाक्य दिया है, उस वाक्य में वर्ब पास्ट में आपने ली अगले में और फिर आपको कह दिया कि आप इसको नेगेटिव चेंज करो और उसमें शर्त लगा दी वर्ब की प्लस फॉर्म काम में लेके कोई भी वाक्य बना दिए, या दो डज का यूज करते हुए कोई भी वाक्य बना दिया, आप इसको नेगेटिव में चेंज करें तो वर्ब की प्लस फॉर्म की पास्ट फॉर्म से आप दिया है वर्ब के सेकंड फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया हमेशा प्लस फॉर्म की पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है। जैसे ही वर्ब की प्लस फॉर्म सेकंड फॉर्म में आती है तो वर्ब की पास्ट में चला जाता है, और हमें इनडायरेक्ट जब वाक्य बनाना है तो शर्त यह है कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पीच का वाक्य दे रखा उसको पास्ट में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा से बाहर वर्ब जो दे रखी है वो पास्ट में दे रखी है। अगर प्रेजेंट में होगी तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई बदलाव नहीं करना, अगर फ्यूचर में वर्ब है तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करना। तो ये लड़ाई कौन करवा रहा है? लड़ाई तो जो डायरेक्ट के वाक्य में वर्ब को पास्ट में दे रखी है वो लड़ाई करवा रही है। वर्ब ये कह रही है कि मैं पास्ट में हूं तो मुझे अंदर का वाक्य भी पास्ट में चाहिए, अंदर का वाक्य भी पास्ट में चाहिए। ठीक, अगर अंदर के वाक्य में वर्ब का स्वर्ग है तो डायरेक्ट में लाने की वर्ब पास्ट में आ गई, अगर वाक्य में डू डज दे रखा है तो इनडायरेक्ट में लाएंगे तो डू डज के पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? नहीं देगी, ये तो देखिए इसको हम कह सकते हैं पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की पास्ट फॉर्म पास्ट सिंपल होता है, सीधी सी बात। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है? ये कह रहा है कि इस एम आर का यूज होता है वाक्य में और वर्ब की आई एन जी फॉर्म भी रहती है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। अगर डायरेक्ट के वाक्य में इस एम आर का यूज कर दिया है, इन्हें कोई वाक्य दे रहा था उस वाक्य को कह दिया कि इनडायरेक्ट चेंज करो, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो इस एम आर को पास नहीं दिया गया, इस एम आर की खास फॉर्म से आपकी बात होती है, इसके साथ आई एन फॉर्म भी इसके साथ नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी। नई बात समझ में आई? फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? ऐसा यूज और ऐसा यूज होना चाहिए सबको के अनुसार, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट का वाक्य दे रखा है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्पीच है अगर उसमें हैज और हैव का यूज आया है और अगले ने कह दिया इसको डायरेक्ट में चेंज करो तो हम इस टेंस को पास्ट में ले लेंगे तो हैज और हैव को पास्ट फॉर्म हो जाएगी है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है इसके साथ हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है? ये हैज बीन का यूज और हैव बीन का यूज, इसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज, इसको डायरेक्ट में लाएंगे। मान लो कि कोई वाक्य है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य है उसने हैज बीन और हैव बीन का यूज कर लिया है और पहले जो वर्ब है वो पास्ट में मैंने सेड, सेड पास्ट में तो है प्रेजेंट को से होता है तो हैव बीन और हैव बीन भी पास्ट में चला जाएगा, तो पास्ट में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? हैव बीन बन जाएगा, इसमें आ जाएंगे इसमें भी आ जाएंगे हो जाएगा, कहां समस्या है? मेरा मीन ये है कि अगर डायरेक्ट के वाक्य में जो स्पीच का सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर का अगर वो
जेंट इसी भी कंडीशन में ले रखा है तो उसको डायरेक्ट में जब लाएंगे तो पास इन कंडीशंस में चेंज हो जाए चेंज हो जाए। अब बेसन के आगे ये भी तो एक बात है कि हो सकता है एग्जाम में आपको स्पीच का वो पास नहीं दे दे तो क्या हम उसको वैसे ही छोड़ दें क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आई होगी सर अभी आपने बताया है कि हमें तो पास्ट में चेंज करना है तो पास्ट में तो ऑलरेडी दे रखा है तो क्या पास्ट में दे रखा है उसको प्रेजेंट में नहीं है नो वाक्य तो अंत बंद करके अपने को पास्ट में ही रखना है लेकिन जो पास्ट का वाक्य है वो पास्ट में ही इंटरचेंज हो जाता है आपस में बदलाव कर लेते हैं बारी बारी तेरी जगह मैं काम करूंगा मेरी जगह तू कर ऐसा देखिए डायरेक्ट के बाद मान लो कि ये कंडीशन लगा दी अगले ने दो महीने से करा क्या कंडीशन लगा दी मान लो कि डायरेक्ट के वाक्य में सिंपल पास्ट सिंपल की कंडीशन लगा दी पास्ट सिंपल की कंडीशन क्या या तो अगर सेकंड फॉर्म के लिए कोई वाक्य बना दिया या डिड का यूज करते हुए कोई वाक्य बना दिया तो आप कहेंगे कि सर पास्ट में तो अगले ने ऑलरेडी दे रखा है तो हमें बदलने की क्या जरूरत है वैसे तो वैसे ही नहीं नंबर दो में आ जाओ पास्ट कंटिन्यूस
आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। चार के कंडीशन दे रखे तो सेम आई वाज